आउज बिल्लाम शेफ़ान बसमान वेलकम स्टूडेंट्स इन टूडेज मेमोलॉजी क्लास वी विल बी फोकसिंग ऑन बे बी एफेक्ट फाइल इस स्लाइड में बेयर के हैबिटेट, साइज कोट डाइट ब्रीडिंग लाइफ स्पैन और स्टेटस के बारे में दिया गया है अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये यूजुअली फॉरेस्टेड uh, या लाइटली वुडेड एरियाज में रहते हैं साइज इनका जो है हेड टू बॉडी लेंथ की अगर हम बात करें दैट इज थ्री फीट सेवन इंचेस ठीक है अगर वेट की हम बात करें तो सिक्सटी टू सिक्सटीन हंड्रेड पाउंड इनका वेट होता है कोट कलर कोट जो है दैट इज थिक एंड शेगी इन मोस्ट स्पीशीज शेगी वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं हैविंग लॉन्ग थिक हेयर आर फोर उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शेगी सो कोट इज थिक एंड शेगी इन मोस्ट स्पीशीज इसके अलावा इट कैन बी प्लेन आर विद प्लेन हो सकता है मतलब इस इसमें कोई मार्किंग्स कुछ स्पीशीज में नहीं हो सकती कुछ पे पेर आर मार्किंग्स ऑन उनके बॉडी के फेस पे चेस्ट पे और बॉडी पे मार्क्स भी हो सकते हैं कलर जो है इट में भी ब्लैक ब्राउन सिनेमन ब्लॉन्ड और वाइट अब सिनेमन कलर कौन सा होता है ये भी रेडिश ब्राउन कलर है ठीक है अच्छा डाइट इसका क्या है ये भी स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं ठीक है ये भी हो सकते हैं मतलब फ्रूट फ्रूट पे डाइट में fruit लेते हैं नट्स भी खाते हैं कुछ स्पीशीज एंड अदर प्लांट मैटर इसके अलावा हनी इंसेक्ट्स फिश लार्ज और स्मॉल मेमल्स पे भी ये फीड कर सकते हैं केरी ऑन और गारबेज पे भी लेकिन यह स्पीशी पे डिपेंड करता है जो कि हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्पीशी क्या खाता है ठीक है ब्रीडिंग की अगर हम बात करें तो उनके लेटर में वन टू सिक्स कब्ज होते हैं और जो जेस्टेशन पीरियड है वो सिक्स टू नाइन मंथ्स है लाइफ स्पैन ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है लेकिन मिड uh, ट्वेंटी से लेकर थर्टी सेवन ईयर्स तक अगर हम वाइल्ड में देखें तो उनका लाइफ स्पैन है अगर हमने कैप्टिविटी में रखा है मतलब जूम है तो फिर ये फोर्टी थ्री ईयर्स तक इनका जा सकता है। अच्छा जो थ्रेटेंड uh, है सो सिक्स ऑफ एट स्पीशीज टोटल हमारे पास एट स्पीशीज है थ्रू आउट दर्ल्ड बियर के तो उसमें सिक्स आउट ऑफ एट जो है दे आर लोकल है अच्छा बियर के बारे में कहा जाता है कि दे हैव दी इंटेलिजेंस एंड क्यूरियोसिटी ऑफ डॉग्स बट आल्सो पावरफुल बॉडीज ये बहुत पावरफुल होते हैं और sometime, ये, जो है, ये जो है दे शो फिरोशियस एग्रेसिवनेस ठीक है लेकिन आ, जरूरी नहीं है कि सारे बियर्स ही ऐसे हो आ, कुछ ऐसा भी है एक जेंटल साइड भी है इनका वो आगे हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे अच्छा इनके बारे में एक और भी पॉइंट है वो ये है फीमेल बियर्स so जो है दे आर अमंग द मोस्ट डिवोटेड मदर्स ठीक है uh, कितने स्पीशीज है बियर के तो एट स्पीशीज है अराउंड बियर के एट स्पीशीज है बियर अगेन uh, इनकी जो बॉडी है दैट इज snout, हैवी मस्कुलर बॉडी इनका टेल जो है शॉर्ट और फीट वाइड फीट इनके होते हैं ठीक है ठीक है? जितने स्पीशीज के हमने बात की कि eight species है, अमेरिकन ब्राउन बियर ये गुड क्लाइंबर्स हैं, इनके अलावा ठीक है पोलर बियर जो है ये गुड क्लाइंबर नहीं है और अमेरिकन ब्राउन बियर भी गुड क्लाइंबर नहीं है बाकी सारे बियर जो है आर गुड क्लाइंबर्स अच्छा ये यहां पे आपको एक ब्राउन बियर नजर आ रहा है ठीक है इस फिगर में अच्छा स्पीशीज के बारे में बात करते हैं एक है इंडियन बियर इंडियन बियर को हम स्पेक्टेकल बियर भी कहते हैं क्यों स्पेक्ट वर्ड इसके लिए यूज इसलिए करते हैं कि इसके आईस के अराउंड होती है ठीक है? है. हो है? है अगर हम बियर स्टैंडर्ड से देखें तो ये छोटा बियर है ठीक है बट स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट लेन मेमल्स इन साउथ अमेरिका तो मीन के इंडियन बियर कहां पे पा जाता है साउथ अमेरिका में Uh, इसका दूसरा नाम स्पेक्टेकल बियर है उसका रीजन क्या है कि इसके आईज के अराउंड पेल मार्किंग्स है ठीक है अगर हम बियर स्टैंडर्ड पे देखें तो बाकी बियर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका साइज तो स्मॉलर है लेकिन फिर भी इट इज लार्जेस्ट इन साउथ अमेरिका uh, अब ये रहते है, ता कहां पे है इंडियन बियर इट लिव्स इन फॉरेस्ट्स ग्रास लैंड पे रहता है ठीक है इसके अलावा डिजर्ट्स में रहता है नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं सन बियर ठीक है आपको ये इस फिगर में पिक्चर में सन बियर नजर आ रहा है सन बियर कहाँ पर रहता है इट लिव्स इन दी ट्रॉपिकल साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ एशिया एंड ऑन मलेशियन एंड इंडोनेशियन आइलैंड ठीक है uh, अगर हम इनके कोट को देखें सो दे हैव दी शॉर्टेस्ट नीटेस्ट कोट ऑफ एनी बियर एंड देयर कोट इज ब्लैक विद ए पेल मार्किंग ऑन द चेस्ट आपको इस फिगर में यहां पे वो मार्किंग वो जो मैं कोशिश कर रहा हूं हाईलाइट करने की आ, यहां पे वो मार्किंग है शायद के आपको नजर आ रहा होगा ठीक है वो पेल मार्किंग अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है डेट इज स्लॉथ बेयर स्लॉथ बेयर को स्लॉथ बेयर क्यों कहते हैं आप लोगों ने स्लॉथ तो देखा है ना तो ये स्लॉथ की तरह है है? The bear is another tropical species. है? It, it is the है? ठीक ठीक ये पे पाया जाता कोट शेगी की हमने बात की फर्स्ट स्लाइड में और इसके चेस्ट पे एक वाइट मार्क भी होता है ठीक है uh, snout इनका long है एंड इट हैज नो फर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ब्लैक बियर ब्लैक बियर कहां पर रहता है इट लिव इन एशिया। लुक सिमिलर टू अमेरिकन ब्लैक और इसकी वजह क्या है कि एशियन ब्लैक बियर जो है पोचर्स की वजह से थ्रेटेंड है पोचर्स इनको हंट करते हैं और किस लिए दे हंट देम फॉर देयर बॉडी पार्ट्स जैसे कि इनके बोन्स और गाल ब्लेटर्स और ये बोन्स और गाल ब्लेडर दे कैन बी यूज्ड इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सो ब्लैक बियर का जो नंबर है ये अमेरिकन ब्लैक बियर से नंबर में कम है अच्छा रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं तो चूंकि ये ज्यादातर मिड विंटर में विंटर में यंग uh, वन को बर्थ देते हैं इसी से हम मैंने टॉपिक लिखा विंटर बर्थ सो ब्राउन ब्लैक और पोलर बियर जो है

सर्चिंग फॉर फूड स्प्रिंग में फिर यह फोरेजिंग शुरू कर देते हैं ठीक है अब चूंकि मदर uh, जो है ये स्लीपिंग कंडीशन में थी सो दियर इज वेरी हंग्री एंड थेन सो शी हैजू फाउंड फाइंड फूड क्विकली इफ शी एंड आर टू सरवाइव तो उसके लिए क्या करते हैं फूड uh, या फोरेजिंग शुरू कर देते हैं कब्जो है दे स्टे विदर मदर फॉर टू टू थ्री इयर्स अच्छा यहाँ पे आपको एक इस फिगर में वो मदर और उसके साथ जो उसका कब है वो नजर आ रहे हैं अपने डिन में मौजूद है अच्छा फीडिंग जैसे कि हमने न्यूट्रिशन की अभी बात करनी है कि ये क्या खाते हैं सो बियर इवॉल्व फ्रॉम एट मीट ठीक है कार्निवोर्स इवॉल्व हुए वो थे इनके जो एनसिस्टर्स थे लेकिन बियर जो है मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगा बेयर्स को वोर्स कहते हैं, कि ये वोर्स है. कुछ और भी लॉट ऑफ फ्रूट्स नट्स और लीव एज वेल एज फिश एंड मीट जो हमारे पास जो सबसे खतरनाक जिसको हम कहते हैं मीट ईटिंग पोलर बियर जो है वो भी समटाइम्स बेरीज खाता है समर में मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ इसमें इस आप देखें तो ये जो मीट ईटिंग पोलर बियर है तो समर में ये भी क्या खाता है बेरीज खाता है अच्छा फीडिंग सन बियर किस पे फीड करते हैं और स्लॉथ बियर तो सन बियर और स्लॉथ बियर दोनों जो है दे लाइक बीज एंड ठीक है अब सन बियर के ह्यूज के नाइन टीथ होते हैं फॉर ब्रेकिंग ओपन एनसेक् एंड वुड

आपको पता है पेंडा भी एक बेयर है तो पेंडा कैसे बाकी बेयर से अनयूजल है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैम्बू लीव का आता है ठीक है एडल्ट uh, मेल और पोलर बेयर के बारे में ये मशहूर है कि ये समटाइम्स अगर इनको खाने को कुछ ना मिले तो दे किल एंड ईट बेयर कब्स ठीक है ऐसा भी ये कर सकते हैं टू स्लीप और नॉट क्या सारे जो हमने आर्ट स्पीशीज बियर के पड़े हैं सारे इस तो स्लाइड में पढ़ेंगे वहां पे विंटर में फूड पाना बहुत मुश्किल है ठीक है और इसी वजह से बियर जो है दे आर इन डेंजर ऑफ स्टार्विंग टू डेथ ठीक है उसकी वजह से ये मर सकते हैं आ, मतलब फूड इनको मिल नहीं रहा तो ये इनकी डेथ हो सकती है तो ये क्या करते हैं टू तो सेव एनर्जी बेयर जो है ये अपने में जाते है, विंटर में और मोस्ट विंटर इन ए स्लीप। उस स्लीप को हम कहते हैं। तो एक्चुअली हाइबरनेशन इसलिए कर रहे हैं टू तो सेव एनर्जी ठीक है और उन एरियाज में जहां पे फूड जो है हार्ड टू फाइंड इन विंटर अब कुछ बियर इन एरियाज में जहां पे फूड जो है उ फाइंड इन विंटर सो दे बियर वहां पे बियर जो है the hibernate for six months or more. अब अगर हम ट्रॉपिकल कंट्रीज में की बात करें तो वहां पे तो विंटर लॉन्ग नहीं है और वहां पे पूरा साल प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है को. तो वो बियर क्या करते हैं जैसे कि सन बियर स्लॉद बियर इंडियन बियर और ब्लैक बियर ये सारे इन ट्रॉपिकल कंट्रीज में रहते हैं सो दे डू नॉट नीड अ लॉन्ग विंटर स्लीप सो विंटर स्लीप में कौन जाएगा वो बेयर जो कि उन एरियाज में रहता है जहां पे फूड पाना मुश्किल है तो वो विंटर स्लीप या हाइबरनेशन में चला जाता है और वो बेयर जो उन एरियाज में मौजूद है जहां पे विंटर शॉर्ट है और जहां पे प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल है ऑल ईयर अराउंड ऑल ईयर राउंड तो फिर वहां वो बेयर जो है वो हाइबरनेशन नहीं करते जनरल इंफॉर्मेशन के लिए शेयर करना चाहूंगा कि सबसे जो लार्जेस्ट uh, बियर है उसको ग्रिजलीस बियर कहते हैं दैट लिव ऑन कोडियाक आइलैंड इन अलास्का ठीक है ये है uh, वो लार्जेस्ट बियर ग्रिज लीज बियर भी इसको कहते है, है? और एक और जनरल इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग टेडी टेडी बियर जानते होंगे ना वो जो टॉय है टॉय टेडी बियर इसका नाम क्यों रखा गया है इसका नाम आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट थीडर टेडी रूजवेल्ट के नाम पे रखा गया है क्यों क्योंकि उसने एक हंटिंग ट्रिप पे एक ब्लैक बियर को शूट करने से इनकार किया था तो इसके बाद ये जो टॉय है उसका नाम क्या रखा गया टे, टेडी बेयर ठीक है ये टॉय है और साथ में ये वो यूएस प्रेसिडेंट है थियोडोर टेडी रोसवेल्ट थैंक्स फॉर वाचिंग आप लोगों के क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास के टाइम पे डिस्कस किया जाएगा थैंक यू